कल जो आप लोग देखे होंगे ना, बहुत जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि सेफ्टी अवार्ड क्या होता है, हम लोग हर महीने में बांटते हैं ना। कल जो देखे होंगे ना, कल को फिलहाल पे कल प्रोग्राम था ना, तो आप लोग के लिए नया होगा कि बहुत लोग नए हैं यहाँ पे है। जो आदमी सब जो काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग वॉच करते रहते हैं, या जो भी इंजीनियर लोग हैं, और जो आदमी अच्छा सा काम करता है एक दिन नहीं तीसों दिन, तो उसको जो ना महीने में हम लोग बुला के सर्टिफिकेट एक अवार्ड देते हैं। तो कल देखे होंगे 15-16 लोग हम लोग दिए थे, तो अगले महीने में फिर वो काम करेंगे। तो फिर हम लोग देखते रहते हैं कि जो भी बंदा अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं देख रहा है, जो भी इंजीनियर हमको इंजीनियर से पूछेंगे, वो बताएंगे कि हम फलाना आदमी अच्छा काम कर रहा है, तो फिर उनको हम लोग सेफ्टी अवार्ड देते हैं। तो वो आगे चल के आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको फायदा करेगा फिर वो चीज़। तो आप लोग तो आने फर्स्ट टाइम आए होगा ना, तो हर महीने में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जानकारी सब कुछ है, लेकिन कोई साइड पर आकर पूछेगा कोई वर्कर हाइट के बारे में, जानकारी सब कुछ है, सेफ्टी में काम कर रहा है, बेल्ट पर काम कर रहा है, लेकिन पूछेगा कितने मीटर तक पहनना है, जवाब नहीं दोगे तो हुआ कि भाई इसको जानकारी कुछ नहीं है। तो जानकारी भी रखना है और बताना भी सामने वालों को, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार आगे यहाँ पर बोलने के लिए। और सेफ्टी से काम करना, अच्छे से बोलने बोलने लगाना है, और बेल्ट पहन करके प्रॉपर तरीके से उसे देखना बराबर है ना, जहाँ पे करना वहाँ पे काम करने के पहले जो है ना परमिट लेना होता जरूरी है, ठीक है। परमिट जो भी काम कर रहे हैं ना, हाउसकीपिंग भी कर रहे हैं या वर्क एट नाइट भी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत सारा परमिट होता है, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग MEP का जो किचन वाला काम कर रहा हो ना, हाइट पे काम कर रहा है, उसका वर्क एट हाइट का बनता है। तो परमिट लेना है और जो जो आदमी इन्वॉल्व है ना उसमें, वो साइन भी करना है। ऐसा नहीं कि काम कर रहा है आगे कहीं रिकॉर्ड नहीं है, काम करना है, उसका बहुत सारा बेनिफिट होगा। कल खुदा ना खास कुछ हो गया, चोट लग गया, तो आपका उसमें सिग्नेचर रहेगा, तभी कंपनी आपको मुआवजा देने वाली है। लेकिन आ रहे हैं साइन ग्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई कहानी नहीं है। फिर अब बहुत सारे अभी देख रहे हैं हमारा एक और आप लोग पता नहीं हुआ, नीना का भी कंस्ट्रक्शन है, नीना का जानते हो ना, वाटर प्रूफ काम कर रहा है। बहुत सारे उनका क्या है कि कब आता है कब जाता है कोई पता नहीं है। जो जो काम करते हो, मैंने हर काम जो काम तुम करते हो ना, उसके बारे में सोचकर बताओ क्या क्या करना है। नमस्कार भाई, मैं तो बिल्डिंग का काम करता हूँ, बिल्डर हूँ। सेफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर हाइट पे चढ़ने के लिए और सेफ्टी बेल्ट, सबसे पहले तो होल्डिंग चेक करना है, साइड पर लगा हुआ है कि नहीं। होल्डिंग से चढ़ने से पहले अपना टैग ग्रीन टैग देख लीजिए, सही बराबर ये लगा हुआ है कि नहीं, मार्किंग या ये कुछ भी हो आपको देख लेना चाहिए। चढ़ने से पहले इसका ये टैग ग्रीन टाइम टेबल या तारीख किस डेट का है, तारीख बराबर तरीके से, उसके बाद होल्डिंग में चढ़िए। सेफ्टी बेल्ट पहले आपने देख लीजिए सही तरीके से लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़ने के बाद सेफ्टी बेल्ट को फंसा लीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए, ठीक है। अब बेल्ट कहाँ फंसाना है, ऊपर या नीचे फंसाना है? आपने हाथ से दो फीट ऊपर में फंसाना है, किसी भी चाहे जितना भी हाइट में आप काम कीजिए ऊपर में फंसाना है, यदि गिरे तो आपको सेफ्टी बेल्ट बचा सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ शुरू करना है कि जहाँ पे आप बेल्ट लगा रहा हो ना, वो जगह सही होना चाहिए, ऐसा ना कि लगा दिया झटका मारे पकड़ के उखड़ गया वहाँ पे, वो भी थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा जगह लगाना है कि लोड आदमी के ले ले, ठीक है। और आप देखते होंगे कि आपका सेफ्टी बेल्ट भी जो है ना, उसमें एक पीछे से गांठ टाइप का बना होता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट और जगह बोलते हैं, उस तरह से बिना बहुत तरह से प्लेन वाला भी है, प्लेन वाला इस्तेमाल नहीं करना है। बेल्ट में देखो पीछे टाइप का होता है ना, तो क्या होता है कि हाइट से खुलोगे ना आप, झटका नहीं लगेगा, कमर टूटेगा नहीं, तो उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। और देखिएगा कि बहुत सारा बेल्ट का जो है ना, वो डैमेज कंडीशन हो गया, जैसे बेल्ट बिल्डिंग फसल करते हैं ना, तो बेल्ट वो डैमेज है, तो उसको हटा देना है। और कुछ बेल्ट हमारे पास में स्टोर हुआ है, सबका TPI हुआ है, ये मतलब होता है कि हम तीसरा पार्टी को खरीदार को बुलाया है, उसने चेक कर दिया है, और चेक करने के बाद बताया कि भाई ये बेल्ट जो इस्तेमाल करने की सही है, तो उसी बेल्ट को भी इस्तेमाल करना है। चलिए इसके लिए कल ही मर गए, ऐसे ही बोला दे रहे थोड़ा, कुछ हुआ नहीं ना, अच्छा लगेगा तो बनेंगे, कोई बोलेगा तब फटाक बोल सकते हो क्या करना है। और जो भी कटिंग बिल्डिंग बताया जाए, कटिंग बिल्डिंग करना है ना, देखना उसमें देखना है कि सिलेंडर जो ना गिरा के नहीं रखना है, और खासकर गिरा के तो कोई रखता नहीं है, खासकर जो खाली जब होता है ना, तो लुढ़का के लेके जाने का नहीं है, दो आदमी मिल के तीन आदमी मिल के उठा के उसको लेके जाना है, और उसको कैंप जो होता है ना, कैंप भी करना है, कैंप लगा के ही काम करना उसमें, कि कहीं रास्ते पर खड़ा है किसी केवनी उवनी लग गया गिर गया तो टूटेगा नहीं। तो और फायर बटला देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे में बहुत सारा फायर कटिंग का काम चालू है, और फायर बटला गायब रहता है,
तो फायर बटला नहीं है ना, तो नीचे में दिखेगा कि हर जगह पर जो है ना आपका फायर पॉइंट रखा हुआ है, उसी से निकाल लेना है, जब काम खत्म हो जाएगा तो उसमें लगा देना है। इसका इंस्पेक्शन हुआ देखो तो 15 हुआ हुआ। पांडे जी एंट्री हो रहा है, कितने लोग आए आज, कितने लोग आए? नहीं नहीं आप आपका साइन है, आप मैं समझा आदमी पूछ रहा कितने बंदे काम कर रहे हैं, मैंने वो बताया, मैंने वो बता रहा हूँ, हम लोग को साइन नहीं करना है ना। नहीं नहीं आपका नहीं करना, स्टाफ का केवल ऊपर सर, एक शुक्रिया। किसका घर वाले सूरत है भाई? किसका घर वाले मुल्ला जी। तो तुमको कैसे पता चल गया कि खूबसूरत है? हमको दिखाया था फोटो भाई, ज़्यादा अच्छी आना जाना मत रखो ठीक है। मैं एसपी इंजीनियरिंग का पॉइंट खोज रहा, पॉइंट नहीं मिलना मेरे को अभी। ऐसा ऐसा भी करना है क्या काम? और उधर में सीढ़ी जो लगाए थे ऊपर में, वहाँ पर ऊपर में नहीं लगाए थे वो, तो उधर काम होगा, सीलिंग का कर रहे थे। डेली दो रन मार रहा हूँ कि आज काम करे काम करे, काम नहीं कर रहा उसने, नहीं उधर काम सर होगा। और इधर भी काम चालू है क्या आपका? डेली साइड पे जो ना विजिट करने से जो ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा सा बंदा लोग अलर्ट हो जा रहा है, काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो 19 भी चलता है, अपने को डेली करना है इस तरह का, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करना है, थोड़ा डर भी बनाना है, ज़्यादा फैमिली हो जाएगा फिर वो काम नहीं कर पाएगा। वो बात अच्छी है। है ना पापा फ्लेमेशन किया हुआ है, यहाँ पर लगा था। पढ़ाई किए होते बढ़िया से खाना नहीं पड़ता ना। अभी जो है ना जो अपना कॉलम जो बना रहा है वो लोहा का अपना सपोर्ट ऐसे रहेगा ना लोहा का, एक वो भेज देता हूँ साइन बोर्ड माइंड योर हेड का, माने अपना सिर बचा के चले, जो भी आम मंदिर होगा ना साइज में लटवा देना उसको, लोहा में वो ना ऐसा है मतलब बीचों बीच में लगा, आप दे दीजिए आप, मैं साइड में लगा देना, साइड में दिखाई दो जो बीच में जो उसका सर है ना वहाँ पे ही लगा देना। हाँ भेजता हूँ।